मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं एग्जाम गुरु। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो शुरू। हम सभी को पता है दोस्त कि हमने रेशियो का पहला चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास कर चुके हैं। आज हमारा दूसरा क्लास है और आशा करते हैं कि आज ही हमारा जो रेशियो का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पर शुरू करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले उसको पहले आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अगर ए अनुपात बी का मान अगर दिया हुआ है 4:5, ठीक है, और बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 6:7, और सी अनुपात डी का मान दिया गया है 2:3, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी, ये हमें निकालना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा इसे हम अभी जानेंगे, ठीक है। देखिए पहले कक्षा में हमने कर चुके हैं कि किस प्रकार से एक टाइम्स अगर क्वेश्चन अगर दिया रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि देखिए किस प्रकार से होता है। तो मैं क्या बोला था आपको कि जैसे आपको क्वेश्चन में दिखेगा कि जो निकालना है तो उसको क्या करेंगे हम लिख लेंगे, ठीक है। ए बी सी डी निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए बी सी डी यहाँ लिख लेते हैं, ए बी सी डी लिख देंगे। अब देखिए अब क्या है, ऊपर में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ए अनुपात बी का मान कितना दिया है 4:5, तो हम उसके नीचे में बस लिख देना है। तो एक के नीचे में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और बी के नीचे में क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 4 और यहाँ 5, ठीक है। अब देखिए बी अनुपात सी क्या लिखना है, 6:7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। बी अनुपात सी कितना है, 6:7 है, तो यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 7 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए सी अनुपात बी कितना दिया है, 2:3 दिया है, तो अब सी और डी के नीचे में लिखेंगे हम क्या, यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या देखना है कि देखिए सब आपको पहले ये देखना है कि क्या सभी में इस लाइन को देखिए, ठीक है, एक एक आप कॉलम को देखिए वो क्या होना चाहिए, भरा होना चाहिए। लेकिन क्या इसमें भरा हुआ है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें सी के स्थान में पहले वाला रो में देखिए, ये पहला रो है, ठीक है, इसमें देखिए सी और डी जो है खाली है। तो हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जहां पर खाली होगा तो और उसके पहले जो भी चीज लिखा रहेगा उसे हम क्या करेंगे, बस ट्रांसवर्स कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी के स्थान में क्या आ जाएगा, ये 5 क्या हो जाएगा, इधर उठ के इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। उसी प्रकार डी भी खाली है तो डी क्या हो जाएगा, उससे पहले से वो ले लेगा, तो इसके डी के पहले क्या है, 5 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 यहाँ भी बैठ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अब देखिए इस लाइन में, ठीक है, इस लाइन में देखिए 7, देखिए डी में कुछ नहीं है तो डी क्या करेगा, उससे आगे के चीज से ले लेगा वो, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन ए में देखिए ए के आगे में यहाँ पर इस लाइन इस रो में कुछ नहीं है तो क्या होगा, बी से वो ले लेगा, तो ये 6 जो है इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा आगे में, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए इस वाला रो में इधर सी का मान क्या है, 2 लिखा हुआ है, तो बी में कुछ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, आगे से बाद वाला से वो ले लेगा, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा और ए का भी यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे, एक एक साथ मतलब हम गुना कर देंगे। गुना कर से कितना आता है, देखिए इसमें देखिए कितना आ जाएगा, इसमें 48 हो गया, ठीक है, इसमें देखिए 5 6 30, 30 2 60 हो जाएगा, 35 2 कितना हो जाएगा, 70, उसका 35 3 कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा 105। तो ये हमारा क्या हो गया, ए बी सी डी का रेशियो कितना में आ जाएगा, 48:60:70:105, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर है 48:60:70:105। अगर ये किसी संख्या से कट रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको काट देंगे, लेकिन इसमें हम दिखने से नहीं लग रहा है कि कोई संख्या से इसमें कट रहा है, ठीक है। अगर इस प्रकार से कटना पड़ता है कि ताकि क्या हो, चारों के चारों संख्या जैसे कट जाए, ऐसे नहीं कि दो संख्या कट रहा है दो संख्या नहीं कट रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें विभाजित नहीं होगा, ये संख्या पूरी तरह से कटना चाहिए तभी जाकर वो होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि 2a = आपको दे देगा 3b, ठीक है, और हमें क्या निकालने पड़ेगा, a अनुपात b का मान निकालिए, तो आप कैसे कीजिएगा। देखिए मैं जितना भी मैथ का ये क्वेश्चन सब दे रहा हूँ वो सीटेट और जेटेट और जितना भी टेट एग्जाम का बात क्यों ना की जाए उसके लिए इनफ है। तो अगर इतने अगर मैथ अगर कीजिएगा तो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन 2a = 3 भी दे दिया है, ठीक है, 2a = 3 भी दे दिया है, अब हमें क्या करना है, ए अनुपात बी का मान हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि ए डिवाइड बाई बी कर देते हैं और क्या कर देते हैं,
3/2 लिख देते हैं, ठीक है, बस क्रॉस हो जाता है। तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2a हो जा रहा है और ये 3b हो जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, ए और बी का मान क्या हो जाएगा, 3:2 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दे देगा 3a = 5b = 6c, तब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो जा रहा है, इसमें तीन टर्म हो जा रहा है, ए बी और सी टर्म हो जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो रूल होता है वो फॉलो नहीं होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, उसे आप देखिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ए का जो है ये 2 है और बी में जो है 3 है, इसका हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि 2 और 3 का हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो हम सभी को पता है 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम हो गया। अब देखिए ये 2 है या 6 है, तो कितना हो जाएगा, 2 को 6 से डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा, 3 आ रहा है। तो ए का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 का 6 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्या जाने, ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। उस पर देखिए आप तीन टर्म वाला उदाहरण देते हैं, उसको बनाते हैं। अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि 3a = 9b = 18c लिखा गया है। तो पहले के ट्रिक से हम क्या करेंगे, 3, 9 और 18 का हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं 3, 9 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, हमारा 18 हो जाएगा, ठीक है। अगर एलसीएम नहीं निकाले जाते तो फिर देख लीजिए, 3, 9 और 18 का हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या से ही एलसीएम निकाला जाता है। तो अभाज्य संख्या 3 है, देखिए 3, 1 जो 3, 3 3 जो 3, 6 जो। अब हम फिर से अभाज्य संख्या लेंगे 3 को, 1 हो जाएगा 3, 1 जो 3, ठीक है। अब देखिए इसको इन तीनों को हम गुणा कर देंगे, 3:3:3, 3:3:1:1, 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, 9 2 18 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जा रहा था, हमारा 18 आ जा रहा था। अब हम क्या करेंगे कि इस 3 से क्या करेंगे 18 को हम डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जा रहा है, 3 6 18 आ जा रहा है, ठीक है। 18 को डिवाइड करना है तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ गया। अब बी को हम क्या करेंगे, बी का टर्म क्या है, 9 है, तो 9 को 18 से क्या करें डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उस वक्त सी को 18 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, a:b:c का कितना आया हमारा, 6:2:1, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन हम जान गए होंगे। अब हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ऐसे पूछा जाए आपको, इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ए का जो है 3/8, ठीक है, बी का 3/2 और क्या निकालना है, सी का 1/12, अगर ये दिया गया है और हमें क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो आप किस प्रकार से निकालिएगा। देखिए ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, इसका हम जो कि हम लोग अभी सोल्यूशन निकालने वाले हैं। देखिए इसका कैसे करेंगे हम, ए का 3/8, का मतलब क्या होता है, इंटू होता है। तो हम क्या करेंगे, ए इंटू 3/8 सिंपली लिख देंगे, ठीक है। अब क्या लिखना है, देखिए इसमें अनुपात निकालना है, तो क्या करेंगे अनुपात का चिन्ह हम दे देंगे, ठीक है। अब देखिए बी का 3/2, तो क्या हो जाएगा, बी का मतलब हम जानते हैं इंटू होता है, 3/2 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सी का 1/12, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ए बी सी का हम क्या करेंगे अनुपात निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है, ये जो संख्या दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, इसका जो अंश और जो हर होता है उसको क्या करेंगे चेंज कर देंगे, ठीक है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि जो 3/8 है तो क्या हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 8/3। और इसमें क्या 3/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और 1/12 में तो क्या हो जाएगा, 12/1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके मन में संशय आया होगा कि किस क्यों हम लोग इसको उल्टाना क्यों पड़ रहे हैं, ठीक है। 3/8 है तो 8/3 क्यों हम कर दिए, अगर 3/8 ही लिखे रहते तो क्या होता। तो देखिए इसके लिए हम कहा है इसको चेंज कर रहे हैं, ये देखिए पहले आप एक चीज में देख लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं देखिए 1 × 3/8, अगर हम इन सभी को एक एक करके अगर हम करें, अगर हम 1 के साथ अगर हम इक्वल करें, ठीक है, तो हम क्या जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा, देखिए इधर से 8 चला गया और जो 3 के साथ गुना है वो डिवाइड हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो 8/3 हुआ, तो उसी चीज को जो 8/3 को है डायरेक्टली हम लिखे गए 8/3 उसमें लिख दिया गया है, ठीक है, ये ऐसे होता है। तो उसी प्रकार आप जान सकते हैं बी का 2 × 3/2 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका अगर करने वाले हैं तो किस प्रकार से होगा, देखिए अगर इसका बात किया जाए, ठीक
ठीक है, बी गुना थ्री बटा टू को अगर हम इक्वल दिखाते हैं एक के साथ तो क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, ये दो है ऊपर चला जाएगा और ये तीन क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, तो बी इक्वल क्या हो गया, टू बाई थ्री हो गया। तो बस यही चीज़ जो होता है आपका यहाँ पर आपका लिखा गया है। ठीक है, अब चलिए इसको आगे स्टेप देखते हैं। देखिए जानने वाली बात ये है कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, बस इसका अंश और हर में क्या करेंगे, परिवर्तन कर देंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, जो नीचे के जो जो संख्याएं हैं उसको हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। मतलब नीचे में क्या है, जो जो हर है आपका तीन है और ये एक है, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में कितना हो जाएगा, तीन तीन एक का एलसीएम जानते हैं तीन ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आठ को तीन से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस प्रकार से हम एलसीएम निकालते हैं कोई भी संख्या का, ठीक है, या फिर जोड़ जब निकालते हैं तो क्या होता है, जिससे हम निकालते हैं उसी तरह कर देंगे। तो यहाँ तीन आ गया, तीनों का एलसीएम कितना हो गया, इन तीनों का एलसीएम तीन आ जाएगा। तो आठ को तीन से क्या करेंगे, नीचे अगर तीन आ गया तो तीन को तीन से वन करेंगे तो यहाँ वन हो जाएगा, तो यहाँ एट हो जाएगा, एट हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ नीचे में तीन है तो वन हो जाएगा, सो वन के साथ दो से गुना कर देंगे तो दो हो जाएगा। उसी प्रकार वन से तीन, तीन ट्वेल्व से थ्री कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा रेशियो में आ गया, यानी कि ए बी और सी का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 8:2:36 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, एक और क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कितना रुपया है, 300 रुपया है, आपके पास 300 रुपया है। ठीक है, आपको ये जो 300 रुपया है तीन लोगों को बांटना है, तीन लोगों को बांटना है। किसको किसको बांटना है, ए को बांटना है, बी को बांटना है और सी को बांटना है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ए को जो है जितना पैसा है उसका कितना भाग मिलना चाहिए, उसको 1/10 भाग मिलना चाहिए। ठीक है, बी को कितना मिलना चाहिए, दो में मिलना चाहिए और सी को तीन मिलना चाहिए। ठीक है, जितना भी रुपया दिया गया है उसका अनुपात क्या है, 10:2:3 है। ठीक है, यानी कि ए को जो है 300 का 10 रेशियो में मिलना चाहिए, बी को 2 रेशियो मिलना चाहिए और सी को 3 रेशियो मिलना चाहिए बस। ठीक है, तो आपको इसमें ज्ञात करना है कि जो आप पैसा जो बांट देंगे तो ए को कितना मिला, बी को कितना रुपया मिला और सी को कितना रुपया मिला। ठीक है, ये जो क्वेश्चन में दिया गया है 10:2:3 ये क्या है, ये आपको अनुपात में दिया गया है। ठीक है, लेकिन आपको बताना क्या है कि ए को कितना रुपया मिला, बी को कितना रुपया मिला और सी को कितना रुपया मिला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए तो हम क्या करते हैं कि अनुपात जो दिया गया है, ठीक है, इन तीनों को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जोड़ देंगे। तो क्या, कोई जोड़िए इसको, 10+2+3 कितना हो जाएगा, 10+2+3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, तीनों का रेशियो कितना हो गया, 15 हो गया। तो यानी कि हम जान सकते हैं कि ये जो 300 रुपया जो है उसको हम कितना टुकड़ा में किए हैं, 15 टुकड़ा में हम किए हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो 15 है इस 15 को टुकड़ा करके हम क्या किए, मतलब ये 300 को हम टुकड़ा करके 15 में हम परिवर्तन किए। तो हम लिख सकते हैं कि 15 क्या हो जाएगा, 300 के बराबर है। ठीक है, तो ये जो 15 हो गया ये किसके बराबर है, ये जो रुपया है, क्योंकि हमको इसी को तोड़ना है। अब कितना भाग में तोड़ना है, 15 भाग में तोड़ना है। ठीक है, 15 भाग तोड़ेंगे तब हमें क्या मिलेगा, 300 मिलेगा। तो आप एक एक नियम से बनाइए कि अगर हम एक को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, एक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, 15 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 हो जाएगा। तो यानी कि 15 जो 15 का जो वैल्यू था वो कितना था, 300 था, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक जो है वो कितना के बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए एक का कितना था, 10 था, एक का 10 था ना, तो इसमें देखिए एक का वैल्यू अगर 20 हो गया तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, एक का वैल्यू कितना था, हो गया 20 हो गया, तो 10 का कितना हो जाएगा, तो गुना कर देंगे। ठीक है, एक का अगर कितना हो गया, 20 हो गया, तो 10 का कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 20 गुना 10 कितना हो जाएगा, 200 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अब दो का कितना हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा, बी का पहले कितना था, बी का 2 था, तो 2 को 20 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 20 कितना हो जाएगा, 40 हो गया। और सी का कितना था, 3 था, 3 को 20 से गुना कर देंगे, 3 गुना 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि ए को कितना रुपया मिला, ए को मिला 200 रुपया। ठीक है, बी को कितना मिला, 40 रुपया मिला और सी को कितना मिला, 60 रुपया मिला। अगर हम तीनों को जोड़ भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ 200 हो गया, 200+40 कितना, 40, 240+60 300 हो गया, तो देखिए 300 हो गया। इसी प्रकार से पैसा को जो है रेशियो को अनुपात से बांटा जा सकता है। ठीक है, हम इस तरह से एक क्वेश्चन देते हैं, उसी को हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए
ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसे हम अभी सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा गया है, 1240 रुपये की एक राशि है, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, ए बी और सी को क्या करेंगे, विभाजित उसको किया गया है, जिसमें ए और बी की राशि का अनुपात जो है 6:5 है, ठीक है। उसमें कहा बी और सी की राशि का अनुपात कितना है, 10:9 है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है। हमें पता चल गया कि कितना रुपया है, 1240 रुपया है, और क्या करना है, ए और बी का अनुपात दे दिया है 6:5 है, और बी और सी का अनुपात कितना दिया है, 10:9 है, तो हमें क्या निकालना है, ए का हिस्सा ज्ञात करना है कि ए के पास कितना रुपया है, यानी कि 1240 में से ए के पास कितना है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए इसे हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे कि देखिए क्या करना है, ए और बी सी का निकालना है, पहले हम ए बी सी तीनों का हम निकाल लेंगे कि किसको कितना कितना करके मिला है। अब क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देंगे, तो पहले देखिए ए और बी कितना है, 6:5 है, तो क्या लिखेंगे, या 6 या 5 लिख देंगे। अब देखिए बी और सी का कितना है, 10 और 9 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 10 9 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं, तो अब क्या करेंगे, 5 इधर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे एक नीचे कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा, इससे आगे से वो ले लेगा 10, और हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना कीजिए, 5 × 9 कितना होता है, 45, 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50, 6 × 10 कितना हो जाएगा, 60। अब देखिए ये क्या तीनों क्या किसी संख्या से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, किससे कट रहा है, 5 से कटेगा, तो काट काट देंगे, ठीक है, 5 × 9 45 हो गया, 5 × 10 हो जाएगा, और 5 × 12 हो जाएगा, तो हमें ये पता चल गया कि ए बी और सी का अनुपात कितना है, 12:10:9 में है, ठीक है। ये आप लिख दीजिएगा, ये अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, 12:10:9 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए बी सी जो है 12:10 और 9 के अनुपात में ये बना हुआ है, ठीक है। अब लेकिन हमें क्या लिखा गया है, ए का हिस्सा हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे इन तीनों में से कि इन जो तीनों का जो रेशियो है ये हम क्या करेंगे, पहले हम जोड़ देंगे, पहले जोड़ देंगे, अब जोड़ के देखते हैं कितना होता है, 12 जो 10 जो 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, 31 हो जा रहा है, इन तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31 हो जा रहा है, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो 31 है ये किसके बराबर है, 1240 के बराबर है, यानी कि 1240 को जो है हम 31 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ए का हमें हिस्सा निकालना है, तो देखिए अभी क्या कर क्या लिख सकते हैं, जो 31 जो है वो किसके बराबर है, 1240 के बराबर है, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक का हम निकाल लेंगे, क्योंकि हम हमेशा एक ही नंबर से ही जाएंगे कि 31 जो हिस्सा है वो कितना के बराबर है, 1240 रुपये के बराबर है, तो एक जो हिस्सा है वो कितना के बराबर होगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 1240 को डिवाइड कर देंगे 31 से, तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो एक भाग होगा वो कितना के बराबर होगा, 40 के भाग के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए अब ये निकालने क्या बोला है, ए का हिस्सा निकालने बोला है, तो हम देखेंगे जो ये जो ए है इसका कितना है, 12 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12 के बारे में हम निकाल देंगे, तो 12 कितना हो जाएगा, 40 गुना गुना हो जाएगा 12 से, तो कितना हो जाएगा, 12 × 4 = 48, 480 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें ये पता चल गया कि ए का जो हिस्सा है कितना हो जाएगा, 480 रुपया हो जाएगा। तो उसी प्रकार अगर हमें बी का हिस्सा निकालने के लिए बोलता है तो हम क्या करते, बस स्टेप यहाँ तक पूरा सेम जाता, ठीक है, क्योंकि 31वां यहाँ पर आपका आ गया था, तो 31 भाग कितना किसके बराबर, 1240 के बराबर है, तो हम निकाल देते एक का भाग कितना है, 40 के बराबर है, तो अगर हमें निकालने बोलते बी का, तो हम क्या करते 10 के साथ गुना कर देते किसको, 40 को, तो कितना आ जाता, 40 × 10 यानी कि 400 आ जाता, ठीक है। उसी प्रकार अगर सी के बारे में निकालने बोलता तो क्या होता, 9 को 40 से गुना कर देते, तो कितना आ जाता, 360 आ जाता। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन जो है बनता है, ठीक है। अब चलिए अब हम आगे की ओर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी तो जितना भी हम लोग क्वेश्चंस को देखें वो सभी क्या था, हलवा था, ठीक है, बहुत इजी था, लेकिन जो रियल कॉन्सेप्ट जो होता है रेशियो का वो इस टाइप के क्वेश्चन से शुरू होता है, ठीक है। और इसी जो ये जो टाइप का जो क्वेश्चन है इसी को अगर आप लोग सॉल्व कर पाएंगे तो आगे की जितनी भी प्रॉब्लम होगी, जो क्वेश्चन जो आता है पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन आता है, या फिर जो एज संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आयु वाला जो क्वेश्चन होता है, आप इसे ट्रिक से बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए भी एक ट्रिक्स होता है जो कि सबसे मजेदार ट्रिक्स होता है, ठीक है, उसे हम मारपीट ट्रिक भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि मारपीट कराना पड़ता है इसमें से। अब देखिए ये किस प्रकार से ये ट्रिक्स जो है अप्लाई होता है, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन को जानेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन को आप पहले अच्छी तरह से पहले सुनिए, ठीक है, किस प्रकार से बनता है, क्या नहीं होता, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है क्वेश्चन होता है इस टाइप का। और ये टाइप का जो क्वेश्चन होता है ये आपको आगे वाली क्वेश्चन को आपको हेल्प करने में मदद करेगी। देखिए क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम कि यदि पी और क्यू के आय का अनुपात जो है 3:4 है, और उनके खर्च का अनुपात
दो अनुपात तीन है, ठीक है। यदि दोनों जो है 6,000 रुपये की बचत करते हैं तो दोनों की आय क्या करें, ठीक है। यानी कि देखिए क्या बोला जा रहा है कि पी और क्या क्यू जो है कितना कमाता है, जो कमाता जो है उसका अनुपात कितना है, 3:4 है, और खर्चा कर देता है कि यानी कि अगर पी अगर कुछ कमा रहा है तो वो खर्चा भी कर रहा है, ठीक है, और कुछ बचत भी कर रहा है। तो देखिए तो इसमें खर्च जो कर जो आय जो कमाता है वो 3:4 में कमाता है, ठीक है, और वो जो खर्च करता है जो पी और क्यू वो कितना में करता है, 2 और 3 में करता है। यदि जो दोनों यानी कि पी और क्यू जो है खर्चा करने के बाद भी अगर 6,000 रुपये बचा रहा है तो दोनों का आय कितना है, यानी कि दोनों क्या है कितना कमा रहा है। क्योंकि देखिए आपको एक जानना है इसमें एक चीज़ है कि कोई भी आय, ठीक है, अगर आप आय करते हैं पैसा कमाते हैं तो आप क्या करते हैं, जब भी आप पैसा कमाते हैं तो हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं और क्या करते हैं, कुछ बचाते भी हैं, यानी कि हम बचत कर सकते हैं उसको, ठीक है। आप कुछ भी कमाते हैं, आप कुछ पैसे कमा रहे हैं तो आप वो पैसे क्या कीजिएगा, खर्च कीजिएगा, या तो खर्च कीजिएगा और क्या करते हैं बचाते हैं, यानी कि दोनों को जोड़ने से हम क्या करेंगे आय करते हैं, ठीक है, यानी कि आय होता है। अगर आप जो भी आय कर रहे हैं या जो भी पैसा आप कमा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, खर्च भी होता है और बचत भी होता है, यानी कि हम इसमें आय को हम कहते हैं इनकम कहते हैं, ठीक है। खर्च को क्या करते हैं एक्सपेंडिचर करते हैं, और बचत को क्या करते हैं सेविंग करते हैं, सेविंग्स करते हैं, ठीक है। ये आप पहले जानकर रखिए, ठीक है, ये बस एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट था। अब देखिए आगे हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, दो आदमी है पी और क्यू, तो हम क्या करेंगे पी और क्यू लिख देते हैं, पी और एक क्या करेंगे क्यू, ठीक है, बस इतना लिखना है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, आय आय का अनुपात क्या है, 3:4 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम आय लिखेंगे यानी कि इनकम करते हैं हम, बस इसको बस आपको जानने के लिए मैं लिख रहा हूँ, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इनकम इनकम कितना में है, 3:4 में है, तो कि हम क्या करेंगे पी के नीचे 3, क्यू के नीचे में क्या करेंगे 4 लिख देंगे, ठीक है। उसका हम क्या करेंगे, उसके खर्च का अनुपात क्या है, 2:3, तो हम क्या करेंगे, क्या यहाँ पर खर्च जो एक्सपेंडिचर है उसके नीचे में 2:3 लिखेंगे। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें वैसे लिखना नहीं पड़ता है, जो ये जो मार्कपीट का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये जो कॉन्सेप्ट ट्रिक्स है, उसमें हम क्या करेंगे, जब दो अनुपात सामने सामने दिया गया हो, जब दो टाइप का अनुपात दिया गया हो, तो वो क्या करेंगे अगल बगल में हम उसे क्या करेंगे नहीं बैठाएंगे, ठीक है। हम उसके बाद लाइन पढ़ते हैं, देखिए यदि दोनों जो है 6,000 रुपये की बचत करता है, तो इसमें देखिए इसमें खुद कुछ अनुपात नहीं दिया गया है, तो क्या करेंगे दोनों दोनों लिखा हुआ है 6,000 का, तो हम क्या करेंगे बचत करता है, बचत को हम क्या करते हैं सेविंग, तो हम सेविंग लिखेंगे, सेविंग कितना करता है 6,000 रुपये का सेविंग करता है, ये भी क्या करता है क्यू भी सेविंग करता है, ठीक है, इधर भी बचत कर रहा हूँ बचा रहा हूँ, क्योंकि इसमें देखिए दोनों लिखा हुआ, दोनों लिखा है 6,000 रुपये का, तो हम क्या करें यहाँ भी 6,000 कर देंगे, यहाँ भी 6,000 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या करता है, खर्च का अनुपात जो खर्चा करता है कितना, 2:3 में करता है, मतलब एक्सपेंडिचर 2:3 में वो करता है, ठीक है। देखिए अब इसे पता चल गया कि जब भी देखिए ये एक अनुपात में था, ये रेशियो में दिया गया था, और ये क्या दिया गया था, ये भी रेशियो में दिया गया था। तो ये जो ट्रिक्स है जिसे हम मार्केट ट्रिक्स हम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं दो अनुपात को हम एक साथ नहीं बैठाते हैं, ठीक है, यानी कि 6,000 के बदले में ये 2-3 या सामने सामने नहीं बैठता, इसे हम एक गैप करके उसको हम यहाँ बैठाती है, ठीक है, बस आपको ये करना है। अब शुरू होता है मारपीट करना, ठीक है। अब किस प्रकार से मारपीट करना पड़ता है, अब देखिए पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम इन तीनों को हम क्या करते हैं रो रो गुना कर दे रहे थे, लेकिन इसमें क्या करें, इसमें इस तरह का गुना नहीं होता है। अब देखिए क्या करेंगे हम, किस प्रकार से गुना होगा, ये देखिए 3 को 3 से गुना करेंगे, ठीक है, और किससे घटा देंगे, इसके साथ जो गुना होगा उसको हम घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए जो बड़ा संख्या को हम छोटा संख्या से लेकिन घटाएंगे, ये आपको याद रखना है, क्या करेंगे 3 को 3 से गुना करेंगे, ठीक है, पहले 3 को 3 से गुना करना है, और क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखिए ये हो रहा है, जैसे नीचे से जो ये जो नीचे वाला है इसको क्या करेंगे ऊपर से गुना करेंगे, और इसको क्या करेंगे ऊपर से गुना करेंगे, तो 3 3 9 हो गया, तो यहाँ 9 लिखिए, क्या करना है घटाना है किससे, 2 गुना 4 हो गया 8, घटा दिए। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, ये पहला स्टेप हो गया, अब हम क्या करेंगे इसको हम इक्वल दिखा देंगे, बराबर दिखा देंगे। दूसरा स्टेप क्या है, ये जो 3 है उसको क्या करेंगे फिर से इसके साथ गुना करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे गुना करेंगे, और ये जो 2 है 2 को इसके साथ गुना करेंगे, इस वाला के साथ गुना करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या ध्यान रखना है कि क्या ये जो दोनों है सेम साइन का है, यानी कि जो 6,000 जो दिया गया उसके आगे में देखिए प्लस साइन है, इसमें भी 6,000 के आगे में क्या है प्लस साइन है, तो जब दोनों जब अगर एक ही साइन का अगर हो जाता है तो क्या हो जाता है वो घटाव हो जाता है, यानी कि हम उसको माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर एक में माइनस रहता है और एक में प्लस रहता है, या फिर एक में प्लस रहता है या फिर माइनस रहता है, तो क्या हो जाता है वो ऑपोजिट साइन हो जा रहा है, तो हम क्या करते हैं उसको जोड़ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आप पहले समझ गए किस प्रकार से मार्कपीट से शुरू हुआ, पहले 3 को जो है जो नीचे वाला जो है
हम हमेशा नीचे से करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है, नीचे वाला को है ऊपर से, सबसे ऊपर से, मतलब अनुपात अनुपात पहले लड़ाई करेगा, ये दोनों रेशियो वाला है तो पहले रेशियो रेशियो मतलब मारपीट करेगा, फिर रेशियो और दूसरा वाला टर्म सब लड़ाई करेगा, ठीक है। तो हम क्या करें, देखिए जो नीचे वाला था जो तीन को किससे गुना कर दिया, तीन से गुना कर दिए, तो तीन गुना तीन कितना हो गया, नाइन हो गया, ठीक है। अब क्या करिए, जो नीचे वाला को ऊपर से गुना करेंगे, दो गुना चार क्या हो जाएगा, आठ, आठ हो गया, दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, माइनस हो गया यहाँ पे, अब बराबर दिखा गया है। इस तीन को किससे गुना करेंगे, 6000 से गुना करेंगे, तो 3 × 6000 कितना हो जाएगा, 18000 हो गया, माइनस, देखिए क्योंकि हम क्या है दोनों जो है सेम साइन है, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, मैं बता दिया हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो दो है दो को किससे गुना करेंगे, 6000 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो 2 × 6000 कितना हो जाएगा, 12000 हो गया। अब देखिए अब घटा देंगे तो 9 को 8 से घटाने से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें घटाएं देखें 6000 हो जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार 1 का वैल्यू जो है 6000 हो जा रहा है। तो दोनों का हमें क्या निकालना है, आय निकालना है, तो आप देखिए आय किसमें क्या है, 3:4 में है, तो इसी से हम लोग लेंगे, तो 1 का अगर 6000 हो जाएगा तो पी का आय कितना है, 3 है, ठीक है, पी का कितना है, 3 है, पी इक्वल टू 3 है, तो 3 को किससे गुणा कर देंगे, 6000 से गुणा कर देंगे, तो 3 × 6000, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 18000 हो गया। उसमें क्यू को देखिए, क्यू का आई कितना दिया है, आई मतलब क्या, तो इनकम, आई मतलब क्या है, 4 है, तो 4 कर देंगे, 4 × कितना है, 1 का हो गया 6000, कितना हो जाएगा, 24000, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर हमें अगर खर्च का अगर अनुपात दिया रहता तो हम क्या करते, खर्च का अनुपात में इधर से आ जाते हैं, 2:3 को हो जाता, तो हम क्या करते, 2 × 6000 से गुना कर देते हैं, उसको 3 × 6000 से गुना कर देते हैं, तो हमें क्या पता चलता है, हमें उसका खर्च को पता चल जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको बता दे रहा हूँ, पहले हम क्या करेंगे, पी और क्यू का अनुपात निकालना है, तो पी और क्यू निकाल लिए, लिख लिया। अब क्या करना है, आय का अनुपात, आय का अनुपात क्या होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले अगर हम लोग अगर इनकम नहीं करेंगे तब एक तब खर्चा कैसे होगा, बचत कैसे होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, करेंगे पहले हम इनकम को आगे में रखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे कि अब देखिए आय का अनुपात कितना दिया गया है, 3:4 दिया गया है, अब क्या कर दिया, 3:4 हम इसमें बैठा दिए, ठीक है, लेकिन अब क्या लिखा है, खर्च का अनुपात 2:3 है, तो हम इसमें खर्च का अनुपात 2:3 लिख सकते थे, लेकिन मैं आपको पहले क्या बताया कि जब दोनों रेशियो क्या होगा, सामने सामने कभी नहीं बैठेगा, ठीक है, तो इसलिए हम आगे ही पढ़े, तो उसमें क्या लिखा गया, यदि दोनों 6000 रुपया की बचत करता है, लेकिन 6000 रुपया बचत कर रहा है, यानी कि ये अनुपात में नहीं है, इसमें दोनों लिख दिया गया है कि ये भी बचा रहा है 6000 रुपया और क्यू भी बचा रहा है 6000 रुपया, ठीक है, तो बचा दिया, तो क्या हो गया, बचाने के बाद क्या हो गया, खर्चा कितना कर रहा है, खर्चा कर रहा है 2:3 में कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करें, एक्सपेंडिचर जो मतलब होता है खर्चा करना, तो कितना में, 2:3 में, ठीक है। अब होता है मारपीट कॉन्सेप्ट, इतना करने के बाद मारपीट कॉन्सेप्ट शुरू होता है, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से मारपीट कॉन्सेप्ट में इसको लागू किया हूँ, इसको पीछे में बता दे रहा हूँ, देखिए ये था। अब देखिए क्या करते हैं हम, जो सबसे नीचे में जो रहता है, नीचे में कौन है, एक्सपेंडिचर है, ये वाला लाइन, तो हम क्या करेंगे, कोना कोनी कर देंगे, और हमेशा याद रखेंगे कि बड़ा से छोटा को घटाएंगे, हमेशा बड़ा संख्या से छोटा से घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको इससे पहले गुना करेंगे, ठीक है, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये वाला इसका अगर नीचे का ये वाला अगर काम हो गया तो इसका तो काम जरूरी है ना, तो इसके साथ इससे गुना कर देंगे, ठीक है, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, तो 9 − 8 ये हो गया। अब देखिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, ये पहला स्टेप हो गया हमारा, अब दूसरा स्टेप क्या करना है, सेविंग जो है जो मिडिल वाला जो टर्म है, ऊपर नीचे वाला गुना हो गया, अब क्या करेंगे, नीचे और मीडियम जो जो मिडिल में था उसके साथ करेंगे, मिडिल वाला के साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ 3 के साथ 6000 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 3 × 6000 कितना हो जाएगा, 18000, ठीक है, दिख गया। अब हम क्या करेंगे, बाकी कौन सा बचा है, ये बचा है, तो इसके साथ क्या करेंगे, 2 को 6000 के साथ गुना कर देंगे, तो 2 × 6000 कितना हो जाएगा, 12000 हो गया, ठीक है। और देखिए अब इसमें दोनों को माइनस कर देंगे, तो इसमें क्या हो गया, 9 से 8 करने से 1 हो जाता है, अब 18000 को 12000 करने से 6000 हो गया, यानी कि 1 का जो भाग है जो 1 हो गया, हमें हमेशा इसमें याद रखना है रेशियो में कि हमें हमेशा 1 के बारे में हमको सोचना है, अगर हम 1 के बारे में अगर निकाल दे रहे तो हम बाद बाकी जिसके बारे में पूछा जाएगा उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6000 रुपया इसमें हो गया। तो इसी प्रकार हमें क्या निकालना है, दोनों की आय निकालना है, आय मतलब क्या है, इनकम, तो पी का आय कितना में, 3 में है, और क्यू का कितना में, 4 में है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 3 × 4 में दिया गया है, तो पी का आय निकालना है, पी का आय कितना है, देखिए 3 है, ठीक है, 3 को किससे गुना करेंगे, 6000 से, जो निकला 1 के वैल्यू जो निकला तो गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 18000 हो गया। तो इस पर क्यू का कितना, 4 था, तो 4 का 6000 से गुना कर देंगे, 24000 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया आय दोनों का।
तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं इसी टाइप का। देखिए ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, जब तक आप रेशियो का इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन का नहीं समझेंगे, तब आप क्या करें, आप ना तो आयु का क्वेश्चन बना पाइएगा जो एज रिलेटेड जो होता है, ठीक है, या ना तो आप मिश्रण वाला जो क्वेश्चन बना पाइएगा, ठीक है। क्योंकि इस ट्रिक से ये दोनों जो क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर है दोनों, ये हो सकता है, ठीक है। तो हम इसी जो रेशियो खत्म होने के बाद हम आयु को पकड़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, उसके बाद हम मिश्रण को पकड़ेंगे। मिश्रण मतलब हो जाएगा कि कोई मान लीजिए कोई एक जार है, ठीक है, उसमें मतलब कितना 80 लीटर क्या है आपका दूध रखा गया है, उसमें से जो है पानी और दूध का जो अनुपात है 3:4 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मतलब पानी को हम इतना लीटर मिला देते हैं, 20 लीटर मिला देते हैं, तो हम क्या होता है, तो वो जो रेशियो है 1:2 हो जाता है। तो पहले जो है, पहले कितना 80 लीटर में पहले कितना जो है दूध था, या फिर कुछ था, इस तरह से क्वेश्चन उसमें आएगा, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जब ये रेशियो खत्म हो जाएगा। तो इस रेशियो खत्म होने के बाद हम आयु चैप्टर करेंगे, उसके बाद मिश्रण करेंगे। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन का हम जवाब देखते हैं क्या होता है। पहले क्या है कि पहले हमें क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है, इसमें पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है कि दो संख्या है, कोई भी दो संख्या मान लीजिए, ठीक है। दो संख्या का अनुपात जो है, वो जो संख्या है 2:3 में है, ठीक है। कोई भी दो संख्या का अनुपात क्या है, 2:3 में है। यदि पहली संख्या से, ठीक है, पहली से यानी कि पहला संख्या से अगर हम 2 घटा देते हैं और दूसरी से 2 को जोड़ देते हैं, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो दोनों संख्या क्यों है हमें निकालना है, बस ये हमें निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं पहला संख्या दूसरा संख्या, तो पहला संख्या मान लेते हैं, मान लीजिए कोई भी संख्या मान लेते हैं, ए भी मान लेते हैं, पहला संख्या क्या है, ए है मान लीजिए, और दूसरा संख्या क्या है, बी है, ठीक है, बस मानना है इसको। अब क्या करेंगे, दो संख्या को अनुपात, जो पहले जो अनुपात है वो क्या है, 2:3 में था, 2:3 में, बस याद रखिएगा कि कभी भी दो जो अनुपात है, ये 1:1 में दिया गया है और ये 1:1 में दिया गया है, सामने सामने नहीं बैठेगा, बस आपको ये जानना है, ठीक है। अब देखिए ये आपको क्या है, ये दो संख्या का जो अनुपात है। अब देखिए यदि पहली में से, ये जो पहला है उसमें से अगर 2 घटा दिया जाए, ठीक है, घटा दिया जाए तो क्या लिखिएगा, उसका नीचे में लिखेंगे, तो कितना घटा रहा है, 2 घटा रहा है, तो -2 लिख देंगे। क्यों -2 लिखे, क्योंकि 2 घटाया गया है, ठीक है। और उसी प्रकार देखिए दूसरी से 2 जोड़ा जाए, यानी कि दूसरा ये है, दूसरा से क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, यानी कि +2 जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद क्या होगा, क्या बन रहा है, जोड़ने के बाद हमें अनुपात क्या मिला, 1:2 मिल रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1:2 मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे हम मार्कपीट कॉन्सेप्ट जैसे बताए, तो उसी तरह से ये होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए समझ में ये आ गया होगा कि इसमें देखिए अनुपात पहले 2:3 में था, 2:3 लिख दिया गया, पहला से क्या गया, गया 2 घटा दिया गया, घटाया गया, देखिए तो इसमें -2 हो गया, घटाने से का सिंबल क्या था, माइनस हो जाता है। दूसरा से क्या किया, ये दूसरा से क्या कर दिया गया, 2 जोड़ दिया, तो ये +2 हो गया। तो जोड़ने के बाद ये सब काम करने के बाद क्या हो जाता है, लास्ट में अनुपात क्या हो जाता है, 1:2 हो जाता है, तो 1:2 हो जाता है। अब हम लड़ाई कॉन्सेप्ट करेंगे। अब इसमें क्या होता है, हम पहले बताए थे नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, रेशियो रेशियो में पहले लड़ाई होगा, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो गया, हुआ ना। अब क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं इसमें। अब देखिए अब क्या करेंगे, 1 × 3, ठीक है, 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3 हो गया, बस। अब इसको हम क्या करेंगे, बराबर लिखा देंगे। अब देखिए हम क्या किए थे पहले क्वेश्चन में, क्या था, दोनों का साइन जो था सेम था, यानी कि ++ था। अब देखिए इसमें क्या दोनों का साइन क्या सेम है, नहीं है, देखिए एक में माइनस हो गया और एक में क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हम क्या बताए थे कि जब दोनों जब अलग अलग जब साइन का रहेगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन अगर दोनों सेम साइन का हो गया, यानी कि माइनस माइनस या हो गया, या फिर दोनों के प्लस प्लस हो जाता, तो क्या करते हैं, हम यहाँ माइनस कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग साइन है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे। देखिए किस प्रकार से जोड़ होगा, हम फिर क्या करेंगे, इस 2 को 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। लेकिन साइन को हमें यहाँ नहीं लिखना है, बस आपको यही जरूरी है, साइन नहीं लिखना है, साइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 को 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए माइनस पर अलग अलग साइन है, तो हम क्या करेंगे, प्लस हो जाएगा। तो हम फिर क्या करेंगे, 1 को 2 से हम फिर गुना कर देंगे, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 4 में से 3 का डालने से कितना हो जाएगा, 1 हो गया, ठीक है। तो 1 बराबर किससे हो जाएगा, 4 + 6 6 हो जाएगा, यानी कि जो एक जो है वो किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया। तो हमें क्या निकालना है, दोनों संख्याओं ज्ञात करें। तो पहले जो संख्या क्या क्या था, 2:3 में था, ठीक है। तो 1 का वैल्यू अगर 6 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, देखिए 1 का वैल्यू का अगर कितना 6 है, तो 1 का कितना है, 1 का 2 था, ठीक है, 1 का 2 था। तो 2 × 6 कितना हो जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा, 2 × 6 यानी कि 12 हो गया। तो उसी प्रकार बी कितना है, बी 3 है, तो 3 × 1 का 6 है, तो 3 कितना हो जाएगा,
6 × 3 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का कितना हो गया 12, और 20 जो है 18 में था। तो ये संख्या क्या क्या थी, एक 12 संख्या थी और एक 18 थी। तो फ्रेंड्स हम पूरी तरह से रेशियो का क्वेश्चन जो है आराम से हम कर चुके हैं, पूरी कवर कर चुके हैं, यानी कि जो जो सीटेट या फिर जितने भी टेट की एग्जाम आएगी उसको ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन बनाया गया था, ठीक है। आशा करते हैं कि आप पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और यहीं से ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर अब कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो हम अगले जो क्लास है, अगले क्लास में हम क्या करेंगे, आयु संबंधित क्वेश्चन को बनाएंगे, यानी कि एज प्रोग्राम बनाएंगे, और उन्हीं वहाँ भी जो है ये मारपीट कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसे आप, ये जो दो क्वेश्चन जो बताया गया है ये आगे का क्वेश्चन को देखते हुए, आगे के चैप्टर को देखते हुए ही बताया गया है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं नए चैप्टर को लेकर। थैंक यू।